महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने परासिया में विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसियों ने ताली व थाली बजाते हुए सरकार के प्रति विरोध जताया। परासिया के मुख्य सड़क पर यूथ कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरोध में ताली व थाली बजाते हुए विरोध किया और महंगाई को लेकर कुछ समय के लिए सड़क जाम करके विरोध जताया। कांग्रेस ने कहा, पेट्रोल डीजल व खाने के तेल के लगातार बढ़ते दामों के कारण लोगों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूथ कांग्रेस ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी और कहा कि यदि महंगाई कम न हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। युवा कांग्रेस परासिया एवं उन्हें के माध्यम से सभी प्रमुख पदाधिकारी ने थाली और ताली, ये भाई थाली और ताली है जिसको बजा के मोदी जी ने कोरोना को भगाने का प्रयास किया था और कहा था कि थाली बजाने से और ताली बजाने से कोरोना भाग जाता है। आज हम उन्हीं का किया तमाशा उन्हीं के सामने कर रहे हैं कि आपके द्वारा एक तो कोरोना से पूरी जनता प्रताड़ित है, पूरी महामारी से जनता जूझ रही है और दूसरी ओर आपने खाने के तेल के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम इतने अधिक बढ़ा दिए हैं कि जनता पे और अधिक मार पड़ रही है। आज हम थाली और ताली का जो प्रदर्शन है ये उनके लिए, खास तौर पे मोदी सरकार और भाजपा सरकार और शिवराज सरकार के लिए ये हमारा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के माध्यम से, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों के माध्यम से है और हम उन्हें जगाना चाहते हैं क्योंकि वो तो सो गए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।